देखिएगा, आईओटी आप लोग समझ चुके हैं कि आईओटी है क्या। जितने भी आपके आजकल की क्या हैं डिवाइसेस हैं, रियल लाइफ के डिवाइसेस हैं, ठीक है, अगर उसमें आप क्या करते हो, जितने भी रियल लाइफ के डिवाइसेस हैं अगर उसमें आप क्या करते हो, सबको आपस में कनेक्ट कर दो, ठीक है, सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दो इंटरनेट के थ्रू या किसी भी नेटवर्क के थ्रू, और सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करके, आपस में बातचीत करके, या आपस में सिग्नल के थ्रू किसी भी तरीके से, अगर वो क्या करती हैं कि एक दूसरे को सिग्नल भेज करके काम कर लेती हैं आपस में, वहाँ पे ह्यूमन गियर कोई ज़रूरत ना हो, तो इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईओटी, ठीक है। तो यही यहाँ पे है। अब जैसे उसी सीरीज में हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, वेट, चलिए देखिए, तो मेन जो विजन है आईओटी का, मेन विजन है वो क्या है, हर चीज को स्मार्ट बनाना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आईओटी का विजन है वो क्या है, हर चीज को स्मार्ट बनाना, कोई भी चीज हो। अभी हम लोग नॉर्मली तरीके सारे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं अभी स्मार्टली तरीके सारे काम करें, जिससे कि फायदा यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहली बात तो टाइम बचेगा, दूसरी चीज की लाइफ एकदम सिंपल, मतलब चीजें एकदम क्या हो जाएंगी आपके लिए, सिंपल हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन वही लिख दे रहा हूँ कि आईओटी का मेन विजन क्या है, द विजन ऑफ आईओटी, उसी में आगे कंटिन्यू करना आपको, द विजन, विजन ऑफ आईओटी इज टू बी स्मार्ट टू बी स्मार्ट एवरीथिंग, ये एवरीथिंग इज टू बी स्मार्ट, मतलब हर चीज क्या हो जाए, स्मार्ट हो जाए, ठीक है, हर चीज क्या हो जाए आपकी, स्मार्ट हो जाए। अब स्मार्ट का मतलब कि सिंपल सी बात है कि अपने आप वो वर्क करने लगे, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे ही बताया, एक देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं हर चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना चाहता हूँ कि स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी बनने वाला है, ठीक है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, या जैसे स्मार्ट सिटी में मैं एक चीज ऐड कर ले रहा हूँ, डस्टबिन को ऐड कर ले रहा हूँ, आप लोग सब जानते हो डस्टबिन के, ठीक है, ये डस्टबिन है। अब मैं इसको स्मार्ट डस्टबिन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो डस्टबिन आपका है इसको मैं कह रहा हूँ ना कि सारी चीजों क्या बनाना, स्मार्ट बनाना, यही किसका विजन है, आईओटी का। अब ये डस्टबिन है, ठीक है, अब डस्टबिन है, ये डस्टबिन क्या मैं बनाने जा रहा हूँ इसको, स्मार्ट डस्टबिन, ठीक। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे डस्टबिन में क्या हो, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जितने भी आपके क्या होते हैं कूड़े होते हैं, तो आप डस्टबिन में यहाँ पे क्या करते हो, फेंकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आप आजकल मेनली हम जरूर देखते हैं, अब जहां पे डस्टबिन रखा जाता है तो डस्टबिन के बाहर भी कचड़े आ जाते हैं, मतलब कूड़े आ जाते हैं और वहीं भी गिरता रहता है, मतलब ये स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि क्या हो रही है आपकी, वेट सिटी बन रही है, ठीक है। तो सिटी तो स्मार्ट नहीं बन पा रही है, लेकिन अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो सिंपल सी बात है, आप डस्टबिन को ही क्या कर दें, स्मार्ट कर दें। तो आपकी जो ये डस्टबिन है, ठीक है, जिसमें आप कूड़ा रखते हो, उसको ही स्मार्ट बनाने का मतलब क्या है, अब देखिए। तो अब यहाँ पे क्या है, एक डस्टबिन है, ध्यान रखिएगा, जैसे ये कोई डस्टबिन है, अब इसमें क्या कर दिया जाएगा, साउंड क्लियर नहीं आ रहा, साउंड क्लियर नहीं है, क्यों, रिप्लाई मी फास्ट, साउंड क्लियर नहीं है, सभी को क्लियर है, अंजलि नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपकी फिर, ठीक है।
तो देखिए ये मैं कह रहा हूं कि आप देखिए यहाँ पे क्या लगाते हो, ठीक है, पहले वर्क देख लो आप लोग। मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये डस्टबिन क्या हो, फुल हो जाए, जैसे ये डस्टबिन फुल हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करे, एक अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वैसे आप नगर निगम बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, यहाँ पे जहाँ पे जैसा सिस्टम होता होगा, तो यहाँ पे कोई ना कोई इसके क्या होंगे ऑफिसर, मतलब कोई ना कोई वर्कर्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो आते हैं डस्टबिन को लेके जाते हैं, साफ करके कूड़े को लेके जाते हैं, सॉरी डस्टबिन नहीं, कूड़े को लेके जाते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर ये वर्कर है तो वर्कर का क्या यहाँ पे होगा, फोन नंबर होगा, वर्कर का फोन नंबर होगा, ये क्या वर्कर का फोन है। अब मैंने कहा कि जैसे ही ये डस्टबिन यहाँ तक, कूड़ा यहाँ तक पहुंचे डस्टबिन में, ठीक है, जैसे यहाँ तक ये मैंने एक लेवल बना दिया कि इस लेवल तक जैसे ही पहुंचे, तुरंत क्या जाए, एक मैसेज जाए, एक इसके पास मैसेज जाए यहाँ से, ये एक मैसेज जाए, ठीक है, किस किस मोबाइल पे क्या जाए, एक मैसेज जाए, SMS जाए कि आपकी डस्टबिन क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, डस्टबिन इज फुल। तो वो तो आएगा, इसको क्या करेगा, लेके जाए, कूड़े को लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से अब मेरा कहने का मतलब है कि आपका कूड़ा बाहर नहीं गिरेगा, ठीक है, आपकी सिटी गंदी नहीं होगी, तो मतलब जो आपकी डस्टबिन अभी स्मार्ट हो गई है, ये खुद बता रही है कि मैं फुल हो चुका हूँ। अब तक जो डस्टबिन थी, अब तक ये जो डस्टबिन थी ये नहीं बता रही थी, ये आप बाहर कूड़ा फेंकते जा रहे हो, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब जैसे ही कूड़ा यहाँ तक पहुंचेगा तो अब ये डस्टबिन एक मैसेज भेजेगी, किसके पास, फोन वर्कर के फोन के पास अपने पास मैसेज जाएगा कि डस्टबिन क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। तो आप खुद ही बताइए डस्टबिन स्मार्ट हो गई कि नहीं हो गई, ये डस्टबिन स्मार्ट हो गई कि नहीं हो गई, समझ में आया को कॉन्सेप्ट क्या है। आपकी ये जो डस्टबिन है स्मार्ट हो गई ना, मतलब अपने आप ही बता पा रही है कि मैं, ठीक है, मैं क्या हो चुका हूँ, फुल हो चुका हूँ, मुझे क्या करो, खाली करो, ठीक है, कुछ इस टाइप से चीजें। तो अब इसको बनाने के लिए बहुत डिफिकल्ट वर्क यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट वर्क नहीं है। आप सभी लोग अगर समझ में आता है तो भी, समझ में नहीं आता तो रिप्लाई किया करो, ठीक है, एटलीस्ट में समझ में तो आए आप क्या समझ पा रहे हो। तो मैं बस स्मार्टनेस का मतलब समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि स्मार्ट का मतलब होता क्या है, कि अगर अपने आप से सारे काम कर रहे हो तो इसका मतलब वो क्या है, आप स्मार्ट हो या डिवाइस स्मार्ट है। तो अब देखिए अगर कोई कहता है अब ये बनेगा कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसर्स लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं, मैंने बताया था ना सेंसर्स, यहाँ पे कोई एक सेंसर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या लगेगा, सेंसर लगेगा, जैसे ही कूड़ा यहाँ तक पहुंचेगा सेंस करेगा, सेंस करने के बाद अब यहाँ पे लगा होता है माइक्रो कंट्रोलर, मैंने बताया था ना, जैसे कंप्यूटर है आपका, फोन है आपके, फोन में क्या लगे होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक प्रोसेसर बोल सकते हो, क्या CPU बोल सकते हो, प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर मैसेज भेजे किसको, मोबाइल को, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब यहाँ पे सेंसर्स की जरूरत है और माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत है, ठीक है। तो अगर ये दो चीजें आप यहाँ लगा देते हो, सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर, तो सिंपल सी बात है आपकी जो डस्टबिन हो स्मार्ट हो जाएगी, इस तरीके से आपकी सिटी भी क्या रहेगी, क्लीन रहेगी, क्योंकि वहां पे कोई कूड़ा वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा वो उसको ले लिया जाएगा, किसके द्वारा, वर्कर या नगर निगम के द्वारा, जो भी है। तो ये कुछ एक IoT का एप्लीकेशन हो सकता है, छोटा सा IoT का यूज हो सकता है। मैंने बताया था IoT का विजन क्या है, हर चीजों को स्मार्ट बनाना। तो मैं एक एक एग्जाम्पल आपको छोटा देता रहता हूँ कि आप थोड़ा सा समझते रहें कि आखिर ये सब होगा कैसे। चलिए ये हो गया सभी का, आगे बढ़े, ये सभी का हो गया ना यहाँ तक, ओके, चलिए तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। देखिए हर पॉइंट को माइंड में रखते रहिएगा, ठीक है आप लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो क्वेश्चन बहुत बेसिक आएंगे, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स आएंगे, इसलिए सारे पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो आपके माइक्रो कंट्रोलर हैं, सेंसर्स हैं, एक्टुएटर्स हैं, जो मैंने बताया था कि डिवाइसेस हैं, आगे यू मैं बताऊंगा डिटेल में इनको, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेना यहाँ पे, सेंसर्स, जिसको भी इसकी मीनिंग ना समझ आप तुरंत बता दिया करो, सेंसर्स, एक्टुएटर्स, एक्टुएटर्स,
मतलब मोटर वगैरह जो आपके हैं, जैसे मोटर, क्योंकि सेंसर सेंस करेगा कौन सा एक्शन परफॉर्म करना हो, कौन करेगा, एक्टुएटर करेगा। एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब जुड़ना होता है, ठीक है, एम्बेडेड, एम्बेडेड इन फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट आर लिंक्ड थ्रू वायर्ड आर, वायर्ड आर वायरलेस नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। चलो जैसे मैंने बताया कि देखिए बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, ठीक है, इसकी मीनिंग फिर से बता दीजिए, किसकी मीनिंग अमन? हाँ सेंसर वगैरह आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेंसर वगैरह मैं एक एक करके लिखवा दे रहा हूँ, फिर परेशान ना हो अभी आप, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा जानते रहो सेंसर एक्टुएटर। सेंसर का मतलब जैसे ये ध्यान रखना, आपकी आंखें ऐसे समझ लो, अभी अभी के लिए, क्योंकि मैं सेंसर आपको पढ़ाऊंगा, सेंसर का मतलब हो गया जो सेंस करता होगा, ठीक है, जैसे सेंस, जैसे आपकी आईज हो गई, ठीक है, आपके नोज हो गए, आपके ईयर हो गए, ये सब सुनते हैं ना, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब देख करके, ठीक है, सूंघ करके, ये तो क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। सेंस करने के बाद अब सिंपल सी बात है, आप ठीक, ओके, तो जैसे यहां पे ध्यान देना, सेंसर समझ में आ गया आपको, एक्टुएटर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर मतलब कंप्यूटर समझ लो आप लोग, ठीक है, प्रोसेसर समझ लो, क्या समझ लो, प्रोसेसर, जो प्रोसेस करता है, जो प्रोसेस करेगा, जो काम करेगा, कंप्यूटर के अंदर का मेन कंपोनेंट जो होता है, चाहे वो सेंसर हो चाहे एक्टुएटर, ये सब डिवाइसेस हैं। अभी अब डिवाइसेस समझ लो, कोई दिक्कत हो रही किसी को तो डिवाइसेस समझो, क्या है, डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके सेंसर्स, एक्टुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, ये जो इम्बेडेड होते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट में। फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी फ्रिज है, आपकी डस्टबिन है, आपकी एसी है, इसमें जो ये क्या होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, ये किसी भी तरीके से इम्बेडेड हो सकते हैं, मतलब जो सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं वो या तो वायर्ड नेटवर्क के थ्रू होंगी, या तो वायरलेस होंगी, या तो वायरलेस के थ्रू होंगी, या तो किसके होंगी, वायर्ड के थ्रू होंगी, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, पूरे का मतलब है जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं वो या तो वायर्ड नेटवर्क से होंगी या फिर वायरलेस नेटवर्क से होंगी। ये समझ में आ रहा सभी को, जितनी भी डिवाइसेस हैं वो जब आपस में कनेक्ट होंगी तो वो या तो वायर्ड नेटवर्क होगा या फिर वायरलेस होगा। अब ये वायर्ड क्या होता है, वायरलेस क्या होता है, यहाँ पे समझ लो, पहले क्या है, वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, अगर आपकी सारी डिवाइसेस किसी भी वायर से कनेक्ट हैं, अगर आपकी सारी डिवाइसेस किसी भी वायर से कनेक्ट हैं, वायर का मतलब सिंपल जो आप देखते हो वायर, अगर उससे कनेक्ट हैं, उससे हम बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क। जैसे किसी लैब में चले जाओ, कहीं पे आप एग्जामिनेशन सेंटर पर चले जाओ, तो सारे कंप्यूटर्स आपको वहां पे क्या दिखते रहते हैं, वायर से कनेक्टेड दिखते रहते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर जैसे मैंने बोला कि आपके पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्या है, एक फ्रिज है, मैंने मान लिया यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई क्या है, फ्रिज है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे फ्रिज है, इसके बाद यहाँ पे कोई क्या है, कूलर है, कोई क्या है, मैंने ऐसे माना बना दिया यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई क्या है, कूलर है, या ऐसे ही एसी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है,
एसी है, या इस तरीके से आपके पास क्या, आपका कैमरा ही है, मान लेते हैं क्या है, कैमरा है, ठीक है, आपके घर का कैमरा है जो, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा है। इस तरीके से अगर ये जो डिवाइसेस हैं, अगर ये डायरेक्टली वायर से कनेक्ट हैं, ये किससे कनेक्ट है, वायर से, ये आपका रहा वायर, तो इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर्ड नेटवर्क, क्या बोलते हैं, वायर्ड नेटवर्क। ये आपका मैंने बताया कि ये कोई कंप्यूटर है, ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, ये क्या आपका कूलर है, ये क्या है एसी है, और ये क्या आपका कैमरा है। तो इन सब अगर वायर से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वायर्ड नेटवर्क। समझ गए कि नहीं समझ गए सभी लोग, वायर्ड नेटवर्क का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक ये एक दूसरे के पास डेटा को सेंड नहीं कर पाएंगे, तब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? हो गया सभी का, आपने लिख लिया इसको, वायर नेटवर्क समझना बस, वायर का मतलब क्या होता है, अरे आप एक वायर लो, सबको सबसे क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, कौन सा नेटवर्क हो गया, वायर नेटवर्क हो गया, ठीक है, ठीक है, हाँ विथ वायर, बस इतना बोलो, ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, वायर्ड नेटवर्क। यस यस राइट है, मैं यहाँ पे 60 में लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, इफ, जैसे यहाँ पे इफ ऑल द डिवाइसेस, ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड थ्रू द केबल आर वायर, केबल आर वायर, तो क्या कहलाएगा, वायर्ड नेटवर्क, ठीक है, हो गया सभी का, आगे बढ़े। अच्छा वायरलेस क्या हो जाएगा, आप लोग खुद ही बताओ, वायरलेस क्या हो जाएगा, सभी लोग रिप्लाई करो, वायरलेस नेटवर्क क्या होगा, विदाउट वायर, जैसे विदाउट वायर को एग्जांपल बताओ, जैसे क्या है विदाउट वायर, ब्लूटूथ हो गया, वेरी गुड, वाईफाई हो गया, जी, वेरी गुड वाला, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए ठीक है, एक लाइन इसके लिए लिखा दे, जैसे यहाँ पे क्या अगर हम लोग वायरलेस, तो वायरलेस का मतलब क्या हो गया, कोई भी डिवाइस हो, यहाँ पे डिवाइस वही हो सकती है, ठीक है, डिवाइस में कुछ अलग नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, जैसे मैंने बताया, चलिए यहाँ पे आपका आपका फोन है, ये आपका क्या है, फोन है, मैंने कह लिया यहाँ पे क्या है, एसी है, ठीक है, ये मान लेते क्या है एसी है, ये कैमरा है, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया यहाँ पे कैमरा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, हाँ किसी वेव के थ्रू, ओके सनी, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं अगर क्या है, मान लो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया कार, रख लिया आपके, ठीक है, ये कार है, हमने क्या रख लिया यहाँ पे, कार रख लिया, तो इस तरीके से अगर ये लोग, जो मैंने ऐसे बोल दिया यहाँ पे कि यार कोई क्या हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वाईफाई है, वाईफाई के थ्रू हो, ठीक है, अगर वाईफाई के थ्रू सारे लोग आपस में क्या है कनेक्टेड होंगे किसी के तरीके से यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वायरलेस नेटवर्क हो जाएगा, या वाईफाई से कनेक्टेड हो, जो आपने बोला यहाँ पे वाईफाई, ठीक है, या फिर क्या होगा, ब्लूटूथ होगा, वाईफाई, ब्लूटूथ, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, जैसे उन्होंने बताया वेव के थ्रू होगा, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, अगर किसी भी तरीके से अगर ये डिवाइसेस आपस में क्या होती है विदाउट वायर कनेक्ट होती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस नेटवर्क। तो यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, इफ द डिवाइसेस
और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विदाउट एनी केबल, विदाउट एनी वायर, कॉल्ड वायरलेस नेटवर्क। सच है, जैसे आपका मैंने बता दिया ना, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, और यहाँ पे आपका वेब हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये हो गया सभी का, आगे बढ़े। देखिए वेब का मतलब यहां पे क्या, अच्छा बता दे रहा हूं, वेब का मतलब देखिए यहां पे क्या है, देखिए अगर मैं बात यहां पे करता हूं वेव की, ठीक है, तो वेव का मतलब यहां पे होता है, ये आप फिजिक्स वगैरह में पढ़े भी होंगे, वेव यहां पे तीन टाइप्स की वेव होती हैं मेनली, जैसे आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन वेव यहां पे आती हैं, एक आपकी होती है इंफ्रारेड वेव, ठीक है, क्या होती है, आईआर वेव, आईआर मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, एक आपकी होती है रेडियो वेव, क्या होती है, रेडियो वेव, एक क्या होती है माइक्रोवेव, क्या होती है माइक्रोवेव। ध्यान देना, आपका जो टीवी का रिमोट वगैरह होता है, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे, अगर मैं बात सिंपली करूँ यहाँ पे आईआर की, इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड वेव, ठीक है, तो ये कहाँ पे नेटवर्क का मतलब ये होता है। देखिए अब आपका टीवी होता है ना, टीवी होता है और रिमोट होता है, इतना ही समझ लो अभी आप लोग, क्या समझ लो, टीवी होता है और क्या होता है, रिमोट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिमोट है। अब आप खुद ही बताइए, अगर टीवी रिमोट है यहाँ पे, ठीक है, टीवी और क्या है, रिमोट है, तो इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता है, आप खुद ही बताइए, इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, कम्युनिकेशन नहीं होता तो कैसे हम लोग क्या करते, प्रेस करते और टीवी ऑन ऑफ हो जाती, ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो आप सभी को पता है इनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। आप बताओ क्या किसी वायर से कनेक्टेड होते हैं दोनों, क्या किसी वायर से कनेक्टेड होते हैं, विदाउट वायर होते हैं ये, विदाउट वायर होते हैं, और जब विदाउट वायर होते हैं तो किसी ना किसी वायरलेस नेटवर्क से होते हैं, वायरलेस मीडियम से होते हैं, यही ना, इनके बीच में मीडियम कुछ और होता है, तो मीडियम कौन सा होता है, आईआर वेव यहाँ पे होता है, कौन सा वेव होता है, आईआर वेव होता है, ध्यान रखिएगा, तो इस नेटवर्क में अगर कोई पूछता है यार मीडियम कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, आईआर वेव होता है, ठीक है, इंफ्रारेड वेव होता है, ध्यान रखना, तो जो टीवी रिमोट के बीच में आपका क्या होता है, नेटवर्क बना होता है, जो डेटा जाता है वो किस वेव के थ्रू जाता है, आईआर वेव के थ्रू जाता है, इंफ्रारेड वेव के थ्रू जाता है, समझ में आई बात, इसके बाद जैसे यहां पे रेडियो वेव है, रेडियो वेव, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हो रेडियो वेव के बारे में, आप सभी को पता है रेडियो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक रेडियो डिवाइसेस है, कोई रेडियो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, कोई ना कोई क्या है, रेडियो है, ठीक है, ये कोई क्या है, रेडियो है आपका, और कहीं ना कहीं कोई स्टेशन होता है रेडियो का, कोई ना कोई क्या होता है आपका, जैसे मैंने बता दिया ये कोई ना कोई क्या है आपका, स्टेशन है यहाँ मान लेता हूँ, ठीक,
अब रेडियो स्टेशन को इनको होता है, वहां से इंफॉर्मेशन आती है, वहां से इंफॉर्मेशन आती है आपके रेडियो पे, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। जब वहां से इंफॉर्मेशन आती है तो आपका रेडियो और वो, ठीक है, जो सेंटर है आपका, वहां से इनके बीच में कोई वायर तो होता नहीं है, जो कोई वायर नहीं होता है तो सिंपल सी बात है वायरलेस नेटवर्क है, ये भी आपका रेडियो और वो आपका जो सेंटर है, ठीक है, स्टेशन जो आपका है, वो स्टेशन इन से क्या होता है, कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, रेडियो वेव के थ्रू, किसके थ्रू, रेडियो वेव के थ्रू। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो नेटवर्क यूज हो रहा है, जिसके थ्रू डेटा आ रहा है, वो कौन सी वेव हो जाएगी आपकी, रेडियो वेव हो जाएगी। कुछ बात क्लियर हुई, तो ये आपको पता है कि जैसे फ्रीक्वेंसीज होती है ना, फ्रीक्वेंसी जैसे आपको कहते हैं 93.5, ये क्या है, रेड एफ एम इलाहाबाद के लिए, क्या है ये रेड एफ एम है, इसका एक स्टेशन होगा, एक 92.7 जो बीग एफ एम है, इसका भी एक क्या होगा, स्टेशन होगा, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका स्टेशन बने होंगे, स्टेशन से लेके जो डिवाइसेस हैं, रेडियो हैं, वो आप तक जब वहां पे क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, तो किस वेव के थ्रू आते हैं, रेडियो वेव के थ्रू आते हैं। ये समझ में आई कि नहीं बात, मैं यूज बता रहा हूं कि नेटवर्क किसके द्वारा बनता है, वहां पे कोई ब्लूटूथ नहीं होता, वहां पे कोई वाईफाई नहीं होता, वहां पे कौन सी वेव होती है, रेडियो वेव होती है। सबके सब वायरलेस नेटवर्क के एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। और थर्ड आपका यहाँ पे है माइक्रोवेव। तो ये जो आपका फोन है, ठीक है, जो आपका क्या है, फोन है, फोन मतलब है जो मोबाइल्स बोल सकते हो, तो मोबाइल जो आपके पास है, मोबाइल में जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो वॉइस होती है या वीडियो होता है जो ट्रांसफर करते हो, ठीक है, फोन, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ फोन, ये बना दे रहा हूँ, ये फोन है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक दूसरा फोन है। अगर एक फोन से दूसरे फोन में आप बात कर रहे हो, किसी तरीके से डेटा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे डेटा जा रहा है, चाहे वॉइस हो, डेटा का मतलब होता है आप इंटरनेट चला रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सनी, अभी वेट करो, उसका आंसर दे दूंगा बाद में, डेटा, और या फिर आप क्या भेज रहे हो, वॉइस भेज रहे हो, डेटा का मतलब होता है इंटरनेट चला रहे हो, वॉइस का मतलब होता है कॉल कर रहे हो, ठीक है, इसका डेटा मतलब इंटरनेट होता है, वॉइस का मतलब कॉल होता है, कुछ भी कर रहे हो एक फोन से दूसरे फोन। अब यहाँ पे जो वेव रिस्पॉन्सिबल होती है आपके वॉइस को ट्रेवल कराने के लिए या फिर आपके डेटा को ट्रेवल कराने के लिए, जैसे मैंने कहा आप सर्च कर रहे हो, कोई चीज सर्च कर रहे हो वेबसाइट से, तो अब डेटा आ रहा है आप तक, तो वो डेटा है, आप फोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो क्या है, वॉइस है, तो आप डेटा वॉइस को जब सेंड कराते हो, तो यहाँ पे कौन सी वेव यूज होती है, माइक्रोवेव। कौन सी वेव यूज होती है आपकी, माइक्रोवेव। तो एक छोटा सा या ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया कि वायरलेस नेटवर्क क्या है, वाईफाई ब्लूटूथ के अलावा भी क्या यूज होती है आपकी, वेव यूज होती है, ठीक है, और वेव में कौन कौन सी वेव होती है, एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं कि वायरलेस नेटवर्क का एक एग्जाम्पल, चार ऑप्शन दिए जाएंगे वहां पे, कोई इसमें से एक दे दिया जाएगा, ठीक है, तो किसका एग्जाम्पल है, वायरलेस नेटवर्क का एग्जाम्पल है, समझ गए कि नहीं यहां तक। सभी लोग अगर समझ गए हो तो क्लियर करें, आगे बढ़ें, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। सभी को क्लियर है, तो ध्यान रखना आईआर की रेंज सबसे कम होती है, इसकी जो रेंज होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आईआर की सबसे कम होती है, ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव की होती है, उसके बाद किसकी होती है, माइक्रोवेव की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, माइक्रोवेव की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव की होती है। ध्यान देना, सबसे कम किसकी होती है, आईआर वेव की होती है, फिर किसकी होती है, माइक्रोवेव की होती है, यहाँ पे रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद ज्यादा किसकी होती है, रेडियो की होती है, ध्यान रखना। क्योंकि देखिए अभी मत समझना सर, मोबाइल तो दूर दूर से बतलाते हैं, मोबाइल में टावर्स लगे होते हैं,
मोबाइल्स में क्या लगे होते हैं, टावर्स लगे होते हैं, मैं आप वो चीजें सब आपको बताना है आगे, ठीक है? इसके लिए परेशान ना होइएगा, जितना बताया जा रहा है उतना बस समझा करिए आप लोग, क्योंकि एक क्लास में सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैं ये दिमाग मत रखना कि मोबाइल से दूर दूर से बात करते हैं, रेडियो तो क्या होता है, एक रेंज होता है, तो रेडियो का रेंज, रेडियो वेव का रेंज सबसे ज्यादा होता है, और उसके उससे कम किसका होता है, माइक्रोवेव का होता है, उससे कम किसका होता है, IR इंफ्रारेड वेव का होता है, ठीक है? तो इसलिए रिमोट वगैरह बहुत दूर तक, दूर से काम नहीं करेंगे आपके। आप देखते होंगे रिमोट की भी 10 मीटर मैक्सिमम ना माना जाता है, 10 मीटर माना जाता है कि 10 मीटर की रेंज तक आपका IR वेव ट्रेवल कर सकती है, उससे कम ही रहता है, ठीक है, ज्यादा नहीं रहता। इसको 30 किलोमीटर माना जाता है, किसको, 30 किलोमीटर, माइक्रोवेव को कितना माना जाता है, 30 किलोमीटर। बोला जाता है कि हर 30 किलोमीटर पे एक टावर जरूर लगा दिया जाता है, ठीक है? जैसे एयरटेल वाले हैं या जियो वाले हैं, अगर एक टावर उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है तो वो क्या करेंगे कि अगले 30 किलोमीटर में एक टावर जरूर लगा देंगे कि जिससे यहाँ से यहाँ सिग्नल क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। अगर टावर नहीं लगाएंगे तो सिग्नल आपका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो लगभग 30 किलोमीटर माना जाता है कि जो माइक्रोवेव होती है उसकी रेंज कितनी होती है, 30 किलोमीटर। अगर यहाँ से माइक्रोवेव क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, तो 30 किलोमीटर तक एरिया को कवर करेगी। उसके बाद फिर से क्या करना हो आपको, वहां पे लगाना पड़ेगा क्या, टावर वगैरह लगाना पड़ेगा, मतलब सिग्नल डेटा भेजने के लिए आपको टावर्स वगैरह है आप वहां पे इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है? तो ये इसकी लगभग मानते हैं 50 to 60, 50 किलोमीटर होती है। इसकी रेंज कितनी होती है, 50 किलोमीटर होती है। मतलब अगर आपका एरिया है, मतलब इलाहाबाद में क्या लगा हुआ है, कोई रेडियो स्टेशन लगा हुआ है, तो उसके रेंज होगी उसके आसपास 50 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 50 किलोमीटर एग्जैक्टली होगी, ठीक है? हो सकता है कहीं कहीं पे आपका नेटवर्क कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। नेटवर्क है, वायरलेस है, तो प्रॉब्लम होती रहती है। तो पहली बात तो ये बताओ, IR, रेडियो वेव और माइक्रोवेव का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे भी जरूरत थी हमको थोड़ा सा वायर या वायरलेस नेटवर्क बताने की। और यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आपको क्लिक हो सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशंस वगैरह को देखेंगे। अब यहाँ पे अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन पढ़े थे बस, अब जाकर के यहाँ पे आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आपका टॉपिक तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।